हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि वास्तविक शिक्षा क्या है। आज हमें इस पर सोचने का एक तरह से मौका मिला है, क्योंकि लॉकडाउन तो चल ही रहा है। वैसे ही हमारे सारे काम बंद है, सारे स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, कुछ कॉलेज इस तरह से जो ऑनलाइन चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आज हमें अपने एजुकेशन के बारे में 1 घंटा 2 घंटा तो सोचना ही पड़ेगा, पूरे 24 घंटे में जो हमें प्रतिदिन मिलता है, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या वास्तविक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि यह सोचने का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे सूत्र वाक्य में कहा भी गया है, सा विद्या या बुमुक्ते, अर्थात विद्या वही जो हमें बंधनों से मुक्त करे। अब यहाँ पे बंधनों से मतलब क्या हो गया, जैसे सामाजिक होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, धार्मिक होता है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति को लेकर ऐसे जो बंधन हमारे समाज में बने हुए हैं, व्याप्त है, उसको दूर करना ही सबसे बड़ा हमारा एजुकेशन होने का मतलब होता है। जैसा कि आइंस्टीन का मत भी है कि विश्व एक महान पुस्तक है, जिसमें वे लोग केवल एक ही पृष्ठ पढ़ पाते जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। दरअसल हम जिंदगी भर विद्यार्थी होते हैं, और जिंदगी में अपने अनुभवों से सीखना ही हमारी वास्तविक शिक्षा होती है। वास्तविक शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हम जिंदगी भर सफल ही हों, बल्कि हमारी वास्तविक सफलता अपनी असफलता को एक प्रेरणा के रूप में लेना है। यही नहीं कि जैसे शुरू से होता है एक में पास किया, इस तरह से पूरा टॉपर ही, लेकिन कभी एक बार अगर फेल हो गए, असफल हो गए, तो पता चले कि हम अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि हमें वो शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है, क्योंकि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी आप सफल होंगे, कभी असफल होंगे, क्योंकि आप जितना सफल होने पे नहीं सीखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जब आप असफल होते हैं तब आप सीखते हैं। हमारी वास्तविक शिक्षा का मतलब हमारी रुचियों के परिष्कार से है। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहाँ पर बचपन से ही बच्चों के कंधों पर उनके अभिभावक अपनी रुचियों के बस्ते का बोझ लाद देते हैं। एक छात्र क्या बनना चाहता है, उसकी क्या रुचियां हैं, इन बातों को उनके अभिभावक तथा शिक्षक जानने तक का भी कभी प्रयास नहीं करते हैं। और हम देखते हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बना देने की चाह उन्हें भविष्य में तोड़कर रख देती है। जो उनके सपने होते हैं ना वो पूरे होते हैं, और ना बच्चे के जो सपने होते हैं, क्योंकि बच्चे ने तो उसके पहले अभी तक सपने तो देखे नहीं हैं, उनका भी पूरा नहीं होता है। और कई बार वे निराश के गर्त में जाकर आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं, जिससे घर वालों को भी नुकसान होता है और उस बच्चे को तो नुकसान होगा ही जिसने ऐसा ये काम किया है। कुछ वर्ष पहले आई फिल्म 3 इडियट इसी एजुकेशन को लेकर ही बनाया गया था। फिल्म का मुख्य पात्र किस तरह से अपने मित्रों को प्रेरित करता है कि जो कि इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में तो फेल साबित होते हैं, परंतु उनमें ऐसे गुण होते हैं जिनके आधार पर वे भविष्य में बहुत ही बेहतर कार्य कर सकते हैं। मुख्य पात्र का एक दोस्त जो कि बहुत ही अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, परंतु उसके घर वालों द्वारा इंजीनियर बनने के दबाव से परेशान है। जैसे यहाँ पे जो इमेज दिखाया जा रहा है आपको, ये जो है आमिर खान जी, ये मुख्य इसमें पात्र होते हैं 3 इडियट में। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे एक बार नहीं, कम से कम 5 से 7 बार जरूर देखें। आप जितनी बार देखेंगे उतनी ही आपको इस फिल्म से आपको सीख मिलेगी। और इनके ये दोस्त रहते हैं जो इधर दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, ये इंजीनियरिंग में बहुत ही फिसड्डी रहते हैं, या कह सकते हैं कि फेलियर वाले कैटेगरी में रहते हैं। और ये जो आमिर खान जी हैं, ये हमेशा इन दोनों की मदद करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके अंदर जो दबाव रहता है, या चाहे मानसिक दबाव हो या घर वाला जो प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से ये दोनों दोस्त रहते हैं, तो ऐसे में ये हर प्रकार से उनकी मदद करते हैं। और इसमें ये जो बाएं साइड में बैठे हैं, ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बहुत ही अच्छा रहते हैं, लेकिन इनके जो घर वाले माता पिता होते हैं वो इनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन बाद में उसके पिताजी भी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपनी अपेक्षाओं का बोझ अपने बेटे पर लादा था। बाद में यह देखने में भी आता है कि वह अपने इंजीनियरिंग के करियर को छोड़कर एक सफल फोटोग्राफर के रूप में बेहद सफलतम करियर प्राप्त करता। एक बात अक्सर हमारे बीच कही जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। और हमारे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, अक्सर हमें किताबी कीड़ा बनाने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं। बार बार वही हमें इस तरह से बताते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बस उनके सामने यही एक एग्जाम्पल होता है, जिसके माध्यम से वो बच्चों के ऊपर
दबाव बना पाते हैं। समाज की एक बहुत ही रूढ़िवादी किस्म की मान्यता भी है कि जो बच्चे खेलने कूदने नाचने गाने संगीत का शौक रखते हैं वो अपनी असल जिंदगी में असफल इंसानी साबित होते हैं। वे बच्चे जो दिन रात किताबों में ही अपनी दुनिया बसा चुके हैं और ढेर सारे अंक प्राप्त करते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, ऐसे और जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहाँ पे हमेशा टॉपर होते हैं, उन्हें इस हिसाब से हमारे गली मोहल्ले और समाज में मान सम्मान तक दिया जाता है कि वह एक बेहतर और सफल इंसान है। और खेलने कूदने वाले जो लोग होते हैं, संगीत व अभिनय जो करने वाले लोग होते हैं, उनकी रुचि रखने वाले बच्चे उनके सामने कहीं नहीं टिकते हैं। पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में रुचि रखने वालों बच्चों द्वारा जीते गए हजारों मेडल और ट्रॉफियां उनके एक गोल्ड मेडल के सामने फेंकी पड़ जाती है। आपने अपने आसपास देखा भी होगा कि जब बचपन में कोई छात्र राज्य स्तर, जिला स्तर की भाषण अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता जीत कर आता था तो घर वालों के साथ साथ समाज का मान सम्मान बढ़ता था कि इस क्षेत्र का लड़का, इस जिले का है, इस राज्य का है, कि इसने ये प्रतियोगिता जीता है। लेकिन उसी समय हमें सख्त शब्दों में यह चेतावनी भी दी जाती थी कि इन सब फालतू चीज़ों के चक्कर में कहीं तुम अपनी पढ़ाई बर्बाद ना कर बैठो, चाहे वो माता जी के द्वारा हो या पिताजी के द्वारा, बड़े भाई कोई भी हो, ऐसा हमें ज़रूर समझाते हैं। लेकिन यदि राजनेताओं को पिताजी की कसौटी पर रखकर देखूं तो देश की कमान संभालने वाले कई बड़े बड़े नेता औपचारिक शिक्षा के लिहाज से भले ही अनपढ़ साबित हों, परंतु राजनीति की दुनिया में वे अपने शासन, प्रशासन तथा नेतृत्व में सफलता के नए मानदंड जरूर स्थापित करते हैं। चाहे आप इतिहास उठाकर देख लें, नेताओं की पूरी हिस्ट्री ही पड़ी है कि कम पढ़े हैं लेकिन फिर भी वह अच्छा प्रशासन, अच्छा देश चलाकर हमारे सामने एक एक तरह से एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। आजकल सरकार की शिक्षा नीति में भी एक कमजोर पक्ष दिखाई देता है कि वे लोगों को शिक्षित न बनाकर साक्षर बनाने पर ही अधिक फोकस दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, साक्षर और शिक्षित। साक्षर का मतलब होगा कि आपको बस ये दिखाना है कि हमारे कॉलेज में या हमारे गाँव में, हमारे देश में इतने लोग पढ़े हैं। शिक्षित का मतलब वो होता है कि एक व्यक्ति जो सभ्य होता है, पढ़ लिखकर कुछ अच्छे काम समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए कुछ करता है, उसे हम शिक्षित मानते हैं। और कुल मिलाकर हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली का भी यही हाल है, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे हाल है कि हम पढ़े लिखे मजदूर तैयार कर रहे हैं। हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति में प्रवेश कर गए हैं जहाँ मानवीय मूल्यों के दांव पर इंसान को मशीन बनाए जाने का काम लगातार चल रहा है। हमारे विज्ञान और तकनीकी ने हमें चाँद पर भले ही पहुँचा दिया मगर हमारे अंदर के संवेदनशील इंसान को पहले ही मार दिया है, जो हमारे सोचने और समझने की जो क्षमता है थी वो पूरी तरह से पहले ही ख़त्म हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है, वास्तविक शिक्षा वही है जो अपने सामंतवादी और रूढ़िवादी विचारों को त्याग कर जाति, लिंग और धर्म की दीवारों को तोड़ दे तथा इंसान के इंसान से भाईचारे की मिसाल कायम करे। अब यहाँ पे हम आगे जो बढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम 3 से 4 ऐसे एग्जाम्पल आपको, कहानियाँ जो इतिहास में घटित हो चुकी हैं जिनसे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और इसे आप ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इस तरह से होता है कि ये ढालने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के उन्मुक्त स्वभाव के कारण जर्मन स्कूलों के तानाशाहनुमा जो शिक्षक थे उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार एक शिक्षक ने तो उन्हें यह सलाह भी दी कि आइंस्टीन तुम स्कूल छोड़ दो। आइंस्टीन फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा में बैठे और फेल हो गए, और यह हमारे संपूर्ण जगत के लिए सही ही हुआ, नहीं तो इतना बड़ा वैज्ञानिक महज जो एग्जाम पास करता तो किसी मिल में काम करता और एक मजदूर बनकर रह जाता, और बाद में किए गए चमत्कारी खोजों से हम परिचित ही नहीं हुए होते जहाँ उनके द्वारा दिए गए ऊर्जा के सिद्धांत ने हमारी जिंदगी की गति को बढ़ा दिया है। आइंस्टीन के शब्दों में शिक्षा को इस प्रकार बताया गया है कि जैसे शिक्षा तथ्यों को याद करना नहीं है बल्कि मस्तिष्क को सोचने के लिए अभ्यस्त करना है। जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं यहाँ पे सब लिखा गया है, वो भी पढ़ सकते हैं कि क्या कहा गया है आइंस्टीन के माध्यम से। हर कोई बुद्धिमान है लेकिन जब बुद्धिमत्ता के पैमाने की जाँच एक मछली द्वारा उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता के संदर्भ में किया जाने लगे तब यह मूर्खता ही होगा। तो यह पहला एग्जाम्पल था, इसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। इनके बारे में भी आप जानते होंगे, ये जो गुरु हैं रजनीश, जो आपके जानते ही होंगे, ओशो धर्म के हैं। भारतीय चिंतक रजनीश के बारे में यह भी बताया जाता है
कि एक बार वह कॉलेज के कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ गप सप लड़ा रहे थे। जैसे होता ना कि हम स्कूल में बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ तो बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा ही ये उस समय अपने कैंटीन में कर रहे थे। इतने में ही उनके एक दर्शन के प्रोफेसर आ गए। प्रोफेसर ने रजनीश से कहा कि तुम क्लास में तो कभी आते नहीं हो, तुम तो फेल हो गए होगे। इस पर रजनीश ने जवाब दिया कि आपके विषय में मेरा 99% अंक है और 1% जो रह गया जो सिर्फ इसलिए कम रह गए कि मैं एक दिन आपकी क्लास में बैठ गया था। तो ये दूसरी कहानी थी। इसके बाद तीसरी तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही कह सकते हैं कि नया है, बहुत ही अच्छा है, आप अक्सर आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का नाम आज दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि सचिन तेंदुलकर जी हाई स्कूल में फेल हो गए थे। उस समय आसपास के लोगों ने बहुत ताने मारे, अगर वह पास ही हो जाते हैं तो क्या बनते, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या इससे और कोई बड़ा पद, लेकिन फेल होकर भी आज वह क्रिकेट के भगवान बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे सामने कबीर जी हैं, जिन्होंने लिखा भी है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मगर फिर भी वह समाज को प्यार, मानवता और भाईचारे का पाठ हमें पढ़ा गए हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक और लिखा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और ऐसे ही तमाम उदाहरण हमारे समाज में, देश में, दुनिया में मिल जाएंगे, जहां से आपको वास्तविक शिक्षा का अर्थ समझ में आएगा। जो लोग आज भागते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जो अच्छी कॉलेज होगी, जो महंगी कॉलेज होगी, हम उसी में नाम लिखाएंगे, लेकिन सब वो एक तरह से अधूरा रह जाता है अगर आप उसका मतलब, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। हमारे देश में इंजीनियर इस किस्म के हैं कि वे न तो अपनी घड़ी ठीक कर सकते हैं और ना ही बल्ब, और इसके लिए उन्हें सामान्य मैकेनिक को ही बुलाना पड़ता है छोटे से छोटे काम के लिए, आपने देखा ही होगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस काम को करने में अपनी शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें सफलता का यह सूत्र नहीं पता कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपने कई फिल्मों में ऐसे डायलॉग भी सुने होंगे कि माँ कहती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे पड़ोसी चीन में एक स्कूल जाता बच्चा अपनी घड़ी या ऐसी तमाम चीज़ें जिसके लिए हम मैकेनिक की राह देखते हैं, वह पलक झपकते ही उसे ठीक कर देता है, ना ही ज़्यादा समय लेता है, ना ही अधिक कास्ट या जैसे पैसे। हम अपनी विद्यालय व महाविद्यालय किताबों में आविष्कार के तमाम सिद्धांत भले ही क्यों न पढ़ते हों, मगर उनके प्रयोगों में हमारे पसीने छूट जाते हैं। आज के समय में जहां महंगे विद्यालय ही अच्छी शिक्षा का पैमाना मान लिया गया है, उस दौर में हमें अपने वो शिक्षक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और समाज सुधारक बार बार याद आते हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख तक नहीं देखा था, फिर भी आज इतिहासों में अमर बने हुए हैं। ऐसे में यही अभिलाषा व्यक्त होती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जहां हम अपने स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए पढ़े, तभी हमारी जो एजुकेशन है, जो हम ग्रहण करते हैं, चाहे पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, वह तभी सफल और सक्सेस माना जाता है, वह समाज के लिए, देश के लिए, अपने पूरे जीवन के लिए तभी वह सफल माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वास्तविक शिक्षा है क्या, जिसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी या पूरा जो भी हमारे पास पैसा होता है, जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, ज़्यादा पैसा होता है तो हम प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, उससे भी ज़्यादा होता है तो हम दूसरे देशों में पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं पर भी पढ़ें, लेकिन अगर हम एजुकेशन का असली अर्थ नहीं समझते हैं तो उसका फ़ायदा हमें पूरे जीवन में कभी भी नहीं मिलता है, ना ही हम अपने उसका फ़ायदा उठा पाते हैं, ना ही उसे हम समाज और देश दुनिया को उसका फ़ायदा दिला पाते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी नए एक टॉपिक के साथ आऊँगा और आप सभी से बात करूँगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।